Hello guys, so my name is Mallika and welcome to the YouTube channel of Mehta Voice. So आज हम बात करेंगे एक बहुत ही basic requirement के बारे में जो है English vocabulary, English communication, because English हमारी second language है and कहीं भी अगर आपको interview में बैठना है या कहीं भी आपको excel करना है तो English पे आपकी command होना बहुत ज़रूरी है. तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा बोनेंजा जो है 5 फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज स्टेप वाइज स्टेप. तो अगर हम बात करें आपके कोर्सेज की तो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन इतना सारा इन्फॉर्मेशन है कि उसको एक्यूमुलेट करना कि आपके लिए क्या ऐप्ट रहेगा और लेवल वाइज आपके लिए देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो ये काम हमने आपके लिए इजी कर दिया है और आपके लिए हम लेके आए हैं एक्यूमुलेट करके कॉन्फिगर करके 5 ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस. तो ये वीडियोस आपको यूडेमी पे मिल जाएंगे. तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ और जो इसके लिंक्स हैं वो मैं लेवल वाइज लाइक प्रायोरिटी वाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं उसे. तो अभी हम बात करते हैं पहले लिंक की जो है बिगिनर्स के लिए कोर्स. उसका जो स्क्रीन शॉट है वो आपको साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा जी. तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये है क्या कोर्स. इस बिगिनर्स के कोर्स में बेसिकली क्या होगा कि जो अमेरिकन नेटिव्स हैं वो बोलेंगे अपने एक्सेंट में और जो डेली यूज फ्रेजेज हैं उनको, एंड उसको आपको रिपीट कर सकते हो आप उनके पीछे, राइट. दीज आर द रिकॉर्डेड सेशंस एंड आप उनको रिपीट कर सकते हो. इसमें आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आप उसको रिपीट करोगे डेली फ्रेजेस को तो वो आपके लिए इजी रहेगा, आप अपनी डेली लाइफ में भी उसे यूज कर सकते हो. जैसे कि मैंने बोला आज रात का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, तो एक ये डेली फ्रेज है. अब आप इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे उनके एक्सेंट में, तो दे विल टेल यू लाइकवाइज. उसके बाद हम बात करते हैं, अब मैं आपको पहले थोड़ा सा पहले जो बिगनर कोर्स है उसके बारे में, बिगनर्स कोर्स है उसके बारे में बता देती हूँ कि इसमें क्यों ये इस चीज को ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं लेवल वन पे कि आप सुनो उसके बाद आप रिपीट करो, ये लेवल वन होना चाहिए. अब आप एक बात सोचिए कि बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ जो लोग लिख नहीं पाते हैं वो भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, कैसे, सिर्फ सुन के. तो इसीलिए अगर आपको एक अच्छा स्पीकर होना है तो आपको सुनना ज्यादा अच्छा पड़ेगा. तो इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप सुनो इंग्लिश, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको हिट करो सो दैट आप उतनी ही फ्लुएंटली उसको बोल सको विदाउट एनी एफर्ट्स. उसके बाद हम सेकंड कोर्स की बात करते हैं. उसका भी स्क्रीनशॉट मैं साइड में आपको लगा के दे रही हूं, जिसमें आपको क्या होगा कि आप कैसे हिंदी को यूज करके राइट, आप इंग्लिश बोल सकते हो, वो आपको इसमें सिखाया जाएगा. क्योंकि अगर आपको ट्रांसलेशन एक बार समझ आ जाए तो आपके लिए चीजें इजी हैं, फिर आप इंग्लिश में ही उस चीज को सोचोगे, राइट. अभी आपको क्यों डिफिकल्टी आती है, क्योंकि अगर आप बोलना चाहते हो तो आप उस चीज को पहले हिंदी में सोचते हो, देन आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो, राइट. एंड वो जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है उसका प्रोसेसिंग इतना स्लो होता है कि उस बीच में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है और हम फंबल हो जाते हैं इंटरव्यू में, और जिस वजह से हमें लगता है कि बिना इंग्लिश के आए हम अपना इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते. तो ऐसा नहीं है, कई ट्रिक्स हैं जिसमें आप इस चीज को यूज कर सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो. तो उसमें है ये सेकेंड लेवल कोर्स कि आपको इसमें सिखाया जाएगा कि आप हिंदी को यूज करके कैसे ट्रांसलेट करोगे और कैसे बहुत अच्छा आप इंग्लिश प्रेजेंटेशन कर सकते हो अपना. तो ये है सेकंड कोर्स. फिर आते हैं हम थर्ड लेवल कोर्स पे, वो है हमारा प्रोनंसिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हमें बोलना तो आ गया इंग्लिश, बट प्रोनाउंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो थर्ड लेवल पे आपको प्रोनंसिएशन सिखाया जाएगा. फिर फोर्थ है हमारा वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में आपको बेसिकली आप अगर कुछ बोल रहे हो राइट, एक टाइम पे आके आप स्टक हो जाओगे अगर आपके पास अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, अच्छे शब्द कोश नहीं है. तो ये जो हमारा फोर्थ लेवल का कोर्स है ये आपको रिच इन वोकैबुलरी करेगा. जो भी डेली यूज की वोकैबुलरी है वो आपको सिखाई जाएंगी,
जैसे अगर मैं कोई भी वर्ड बोलती हूँ कि मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, राइट, इमोशनल को हम ओवरवेल्म्ड भी बोलते हैं, राइट, कि आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। तो ये जो इस तरीके के आपके की सिनोनियम्स हैं कि क्या आप और यूज़ कर सकते हो, क्या रिच है वोकैबलरी में, वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद हम फिफ्थ लेवल के कोर्स की बात करते हैं जो है ग्रामर। अब हम बोलना सीख गए, हमें ट्रांसलेट करना आ गया, हम रिच हो गए वोकैबलरी में, हमें प्रोनंसिएशन आ गया, लेकिन सही तरीके से बोलना भी ज़रूरी है कि प्रेजेंट में क्या है वो हमें प्रेजेंट में बोलना है, पास्ट में जो हो चुका है वो हमें पास्ट के लिए कैसे यूज़ करना है, फ्यूचर में कैसे यूज़ करना है। तो ये जो डिफरेंट तरीके के ग्रामर हैं, टेंसेज हैं, जो भी सब पार्ट्स हैं, वो आपको ये लास्ट लेवल पे सिखाएंगे। देन आपका कोर्स आता है बूस्टर कोर्स। तो जो आपका बूस्टर कोर्स है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो भी मैंने आपको ये 5 कोर्सेज बताए हैं उसका समराइजेशन है एक साथ। तो मेरा आपको कहना होगा कि अगर आपको इंग्लिश में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है या आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, जो कि कोई ख़राबी नहीं है, हम सब ने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप लेवल वाइज वीडियोस देख के फिर बूस्टर देखिए। और अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि आपको जस्ट सिर्फ ब्रशअप करना है चीज़ों का, तो आप बूस्टर वीडियो देखिए, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और अब मैं आपको ये बता देती हूँ इन एट लास्ट कि आप कैसे इसको इनरोल करोगे। जैसे कि मैंने जो पहले स्क्रीनशॉट लगाया था, अभी मैं एक बार और बूस्टर वाले का स्क्रीनशॉट लगा लेती हूँ, तो आप देखिएगा इसमें एनरोल नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो जहाँ भी ये एनरोल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जो कि हर रिस्पेक्टिव कोर्स पर आएगा, तो एक पेज ओपन होगा जहाँ पर उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ आपके लिए, जिसमें जो आपकी मेल आईडी है और जो आपके बेसिक डिटेल्स हैं वो पूछी जाएंगी, वो आप फिल करोगे और आपका एक अकाउंट बन जाएगा यूडेमी पे। जैसे कि हर एक अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आप एक नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करते हो फॉर अमेज़ॉन, फॉर फ्लिपकार्ट, फॉर एग्जांपल, बिकॉज हम ये मेजरली यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई आई एम गिविंग दीज एग्जाम्पल्स। तो आप उस तरीके से इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके डैशबोर्ड पे जो भी कोर्स आपने एनरोल नाउ पे किया है वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो लाइक वाइज आप पढ़ाई कर सकते हो, इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो, एंड ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे कि आप अपनी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स को आप शार्पन करें, सो दैट जो आपका इंटरव्यू सिलेक्शन है वो आपका +1 हो जाए। और जॉब अपडेट्स तो हम डेली लाते ही रहते हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें भी इन लिंक्स की नीड है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।